आखिर क्रिकेट के मैदान पर ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर चौंक गए लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। भले ही भारत में क्रिकेट को सबसे देखा जाता हो, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर कभी कभी ऐसी चीजें देखने को मिलती है, बल्कि दूसरे देशों की जमीन पर भी भारत का सर गर्व से ऊंचा उठ जाता है। कल हुए T20 के रोमांचक मुकाबले में बेशक इंडिया हार गई हो, लेकिन टीम के पूर्व कप्तान कैप्टन कूल के नाम से जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने ग्राउंड में मौजूद सभी दर्शकों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ, सही सुना आपने। बता दें कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड से तीसरा T20 मैच हार गई। न्यूजीलैंड ने बैटिंग करते हुए 212 रन टांग दिए थे, वहीं जवाब में भारत की टीम ये मैच 4 रन से हार गई। बता दें कि इसी मैच में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जब न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग कर रही थी तो एक फैन सिक्योरिटी तोड़कर मैदान में धोनी की ओर भागते आया। ये फैन अपने साथ भारतीय झंडा लेकर धोनी तक पहुंच गया, फिर उसने अपने कुर्ते से धोनी के जूते पोंछना शुरू किए। धोनी की नजर उस फैन पर कम और उसके हाथ के तिरंगे पर ज्यादा थी। वो फैन जब धोनी के पैरों के पास झुका, उस वक्त उसके हाथ में तिरंगा जमीन को छूने ही वाला था कि धोनी ने तिरंगे को उठा लिया और फैन को मैदान से बाहर जाने को कहा। आपको बता दें कि पीछे सिक्योरिटी गार्ड भी आ रहे थे, लेकिन इस बीच वो आदमी धोनी के पांव छूकर तेजी से भाग गया। बेशक इस मैच में धोनी सस्ते में आउट हो गए हों, लेकिन इस वाक्य से लोग धोनी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग कह रहे हैं कि इसलिए धोनी को शार्प माइंडेड और लेजेंड कहा जाता है। आपको बता दें, ये कोई पहला वाक्य नहीं है जो पहली बार देखने को मिला हो। ऐसा कई बार हो चुका है जब क्रिकेट प्रेमी खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर उनसे मिलते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मैच हारने के बाद भी ये सुनने को मिल रहा है कि दिनेश कार्तिक या और लोगों की वजह से भारत ने सीरीज गंवाई है। बता दें कि 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर कार्तिक ने सिंगल लेने से मना कर दिया था, बावजूद इसके कि कुणाल आधी से ज्यादा क्रीज क्रॉस कर चुके थे। कुणाल के साथ साथ इस बात पर फैंस भी हैरान हुए थे कि दिनेश कार्तिक ने सिंगल क्यों नहीं लिया। बताया ये भी जा रहा है कि कार्तिक कॉन्फिडेंस में थे कि वो आखिरी गेंदों पर 3 बाउंड्री निकाल लेंगे, इसलिए सिंगल नहीं लिया गया। मगर ऐसा नहीं हुआ और इंडिया को आखिरी 2 गेंद पर 12 रन चाहिए थे, जिसमें दिनेश कार्तिक के बल्ले से आखिरी गेंद पर 6 रन निकले और इंडिया 4 रन से मैच हार गई। इंडिया ने न्यूजीलैंड के 212 रन के जवाबों में 20 ओवर में 208 रन बना लिए, मगर टारगेट 4 रन से दूर रह गया। दिनेश कार्तिक को खुद समझ नहीं आया कि उन्होंने सिंगल क्यों नहीं लिया। कार्तिक ने जहां 16 गेंदों में 33 रन बनाए, वहीं कुणाल ने 13 गेंदों में 26 रन बनाए। हां, ये बात अलग है कि आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने काम कर दिया और इंडिया को रन बनाने का मौका दिया। दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।